प्यारे बच्चों इस प्रॉब्लम को देखो, प्रॉब्लम नंबर 46 हमसे बोल रहा है, व्हाई डज अ हैवी राइफल नॉट किक एज स्ट्रांगली एज लाइट राइफल यूजिंग द सेम कार्ट्रिज। आपके पास एक बंदूक बड़ी है और एक छोटी बंदूक है, दोनों के अंदर सेम बुलेट आपने डाली है और आप दोनों से फायरिंग कर रहे हो, तो जो बड़ी वाली है वो इतना झटका आपको नहीं देगी जितना छोटी वाली झटका देगी। तो सवाल है ऐसा क्यों, छोटी झटका क्यों दे रही है ज़्यादा, बड़ी नहीं दे रही? तो एक बार देख लेते हैं कि जो रिकॉइल वेलोसिटी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, आप ये देखेंगे कि मोमेंटम ऑफ बुलेट जो होगा, मोमेंटम ऑफ बुलेट, मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पर केस बना लेता हूँ जल्दी से। लेट अस सपोज कि मेरे पास एक बड़ी यहाँ पर जो है वो लार्ज गन है और यहाँ पर जो है वो मेरे पास स्मॉल गन है, ठीक है। तो आपको पता है लार्ज गन और स्मॉल गन दोनों के अंदर जो बुलेट है वो सेम साइज की है, उसका मास भी सेम है, तो जाहिर सी बात है अब यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से वो बुलेट जो निकलेगी उसका मोमेंटम जो होगा वो ये होगा एम वी, क्या हो जाएगा एम वी। लेट अस सपोज कि स्मॉल गन का जो मास है, स्मॉल गन का छोड़ो, बुलेट का जो मास है वो कितना है, वो एम वन है, और बुलेट की वेलोसिटी कितनी है, वो वी वन है। अब यहाँ पर जो स्मॉल गन है उसका जो मास है वो एम एस है और जो उसकी वेलोसिटी होगी वो वी एस होगी। वहीं अगर मैं लार्ज गन की बात करूँ तो लार्ज गन का जो मास होगा वो एम एल होगा और जो उसकी वेलोसिटी होगी वो वी एल होगी। लेकिन अगर आप बुलेट की बात करोगे तो बुलेट का मोमेंटम अब भी एम वन होगा और वी वन होगा, क्योंकि उसका मास फिक्स है और वेलोसिटी वी वन होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा मान लेते हैं कि मोमेंटम बुलेट का सेम है, तभी ये कंडीशन कुछ इस तरीके से निकल कर आएगी कि एम एल जो है, एम एल वी एल ये इक्वल हो जाएगा एम एस वी एस के। इससे ये पता चला कि रिकॉयल वेलोसिटी जो होती है वो लार्ज गन की वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, अभी देखो, एम एस वी एस अपॉन एम एल। तो जो रिकॉयल वेलोसिटी है, रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ द लार्ज गन, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, उसके अपने खुद के मास के। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जितना ज़्यादा मास आप गन का लोगे उसकी रिकॉयल वेलोसिटी भी उतनी ही कम होगी, तो ये इसका मतलब हुआ। देखो, रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ द लार्ज गन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास, इट मीन्स अगर आपका मास ज़्यादा ना गन का तो उसकी रिकॉयल वेलोसिटी भी कम होगी। ये आपने यहाँ पर प्रूफ करके दिखा दिया, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं और अच्छे से प्रैक्टिस करो, सारे क्वेश्चन मैं आपको ऐसे ही सॉल्व करा दूंगा।